नमस्कार, प्रभास्वी की इंग्लिशियस रेसिपी में आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे चना दाल नमकीन, जो खाने में बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी होती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। प्रभास्वी की इंग्लिशियस रेसिपी को सब्सक्राइब करें और वीडियो की तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो चने दाल की नमकीन बनाने के लिए सबसे पहले हमें दाल को भिगाना होगा और दाल को हमें 6 से 7 घंटे के लिए पानी में अच्छी तरीके से भिगाना है, जिससे दाल हमारी अच्छे से फूल जाए। तो आइए देखते हैं इसे हमें कैसे भिगाना है। तो इसके लिए हम एक बड़ा बर्तन ले लेंगे और इसके अंदर चने की दाल को डाल देंगे। मैंने 1 कप चने की दाल लिया है, 250 ग्राम ये दाल है। और इसके अंदर हमें 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डालना है, मीठा सोडा भी आप डाल सकते हैं। इससे डालने से नमकीन हमारी फूल जाएगी और क्रिस्पी बनेगी। तो इसके अंदर इसे हम डाल देंगे। अब हमें इसके अंदर पानी डालना है, हमें इसके अंदर इतना पानी डालना है इसे अच्छी तरीके से डूब जाए और ऊपर तक पानी रहे। इस तरीके से हमें इसे मिक्स कर देना है। आप चाहें तो चने की दाल को 1-2 बार धो करके भिगा सकते हैं, लेकिन हमें इसे बाद में अच्छी तरीके से धोना है, इसलिए मैंने इसी तरीके से इसको भिगा दिया है। तो इसके अंदर थोड़ा सा हम और पानी डाल देंगे। अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और इसे हम ओवरनाइट छोड़ देंगे। चने की दाल हमारी अच्छी तरीके से फूल जाएगी, फिर हम इसका नमकीन बनाना आपको बताएंगे। अब चने की दाल को हम चेक करेंगे। मैंने इसे ओवरनाइट पानी में डाल करके और रख दिया था और मैंने इसमें 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा भी डाला था, आपने देखा होगा। अगर आपको दिन में इसे भिगाना है तो 6 से 7 घंटे के लिए पानी में भिगाना होगा। अभी दाल हमारी अच्छी तरीके से फूल चुकी है। अब इसे हम छान देंगे। मैंने एक छन्नी लिया है, वो बड़े बर्तन में रख दिया है। इसे इसके अंदर हम डाल देंगे। पानी को मैंने छान लिया है। अब इसे हमें अच्छी तरीके से साफ कर लेना है, तो इसके ऊपर से हम साफ पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से धोते जाएंगे। इसे मैंने 3 से 4 बार अच्छी तरीके से पानी बदल बदल कर धो लिया है। पानी हमारा साफ आने लगा है। मैंने 3-4 बार पानी डालकर और गंदे पानी को फेंक करके और दाल को साफ कर लिया है। अब इसे हमें हल्का सा सूखने के लिए डालना है और इसे हमें धूप में नहीं सुखाना है, इसे हमें छाए में ही सुखाना है। और इसे सुखाने के लिए मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है, किचन टॉवल, कॉटन का कपड़ा या फिर किसी भी कपड़े पर आप इसे डाल सकते हैं। और इसे हमें छाए में ही सुखाना है, धूप में नहीं सुखाना है। 1 घंटे के लिए इसे हमें छाए में रख देना है, या फिर चाहे तो आप पंखा भी चला सकते हैं, लेकिन हमें इसे धूप में नहीं रखना है। तो इसे हम अच्छी तरीके से फैला देते हैं और जो पानी इसका सूख जाएगा बिल्कुल, ये थोड़ा सा भरभरा हो जाएगा, तब इसका हम नमकीन बनाएंगे। तो ये अभी इसे हम 1 घंटे के लिए छाए में सूखने के लिए छोड़ देते हैं। 1 घंटे तक मैंने चने की दाल को पंखे की हवा में डाल दिया था और ये अच्छी तरीके से सूख चुका है। आप देख सकते हैं इसमें से पानी बिल्कुल सूख गया है। अगर इसमें थोड़ा सा पानी हो तो आप कपड़े से भी इस तरीके से इसे सुखा सकते हैं। तो इसका पानी बिल्कुल सूख चुका है और बिल्कुल भरभरा हो चुका है। अब इसे हम तलेंगे और तलने के लिए मैंने गैस पर पैन रखा है और उसके अंदर मैंने तेल डाला है। मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, आप कोई भी तेल ले सकते हैं जिसमें आपको नमकीन बनानी हो। तो इसे हमें अच्छी तरीके से पहले गर्म कर लेना है। तेल हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर चने की दाल को तलेंगे। और चने दाल की नमकीन बनाने के लिए मैंने एक छन्नी लिया है, इस तरीके की बड़ी छन्नी है हमारी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप डायरेक्ट तेल में चने की दाल डाल करके और इसे तल करके निकाल सकते हैं। तो हमारे पास ये छन्नी है तो इसके अंदर हम रख देंगे और इसके अंदर हम दाल को डालेंगे। हमने छोटी कटोरी से 1 कटोरी चने की दाल ले ली है, थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं।
एक मिनट बाद इसे हम चला देंगे। आप देख सकते हैं इसमें बबल्स कम हो गए हैं। और एक बार चने की दाल डालने से बहुत सारे बबल्स उठते हैं, तो हमें थोड़ी देर के लिए दाल को छोड़ देना चाहिए। इस तरीके से भी हम इसे छान सकते हैं। इसे हमें हल्का सा ब्राउन होने तक और क्रिस्पी होने तक तलना है। इसे हल्का सा चलाते जाएंगे और दाल को अच्छी तरीके से हम तल लेंगे। और मैंने इसे 3 से 4 मिनट तक तल लिया है तेल में। आप देख सकते हैं इसके बिल्कुल बबल्स खत्म हो चुके हैं और ये दाल हमारी तल चुकी है और हल्की सी ब्राउन भी हो गई है। अब इसे हम चेक करके देख लेंगे। हम एक दाना दाल की लेंगे और इसे मसल करके देखेंगे। ये देखिए टूट रही है और बिल्कुल क्रिस्पी हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे, तो छन्नी को हम ऊपर करेंगे और इसमें से तेल बिल्कुल निकाल देंगे। और इसे हम एक सोकिंग पेपर पर रख देंगे या फिर आप न्यूज़ पेपर पर रख सकते हैं। इस तरीके से दाल को हम इसके ऊपर डाल देंगे। इससे दाल के अंदर हमारे जो भी तेल होगा इसके अंदर सूख जाएगा। वैसे इसमें बहुत ही तेल कम आया है, आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से हम और दाल को तलेंगे। चन्नी को हम अंदर रखेंगे और तेल हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा, फिर हम आंच को मीडियम रखेंगे। एक बार दाल को निकालने के बाद तेल हमारा हल्का सा ठंडा हो जाता है, तो हमें तेल को फिर से गर्म कर लेना है, फिर आंच को हमें मीडियम रखना है। और इसके अंदर हम फिर से एक छोटी कटोरी दाल को डाल देंगे और इसे तलने देंगे। और इसी तरीके से हम दाल को तलकर तैयार कर लेंगे। और ये भी दाल हमारी तल गई है, देख सकते हैं इसका कलर हल्का सा चेंज हो गया है। हमें उतना ही दाल इसके अंदर डालना है जिससे अच्छी तरीके से तल जाए। तेल के हिसाब से हमें दाल को डालना है। तेल को हम अच्छी तरीके से निकाल देते हैं और इसे हम सूखी पेपर पर निकाल देंगे और अच्छी तरीके से सारी दाल को हम तल लेंगे। और सारी दाल हमारी तल कर तैयार हो गई है और इसे हल्का सा हिला कर देखेंगे। देखिए इसमें कैसी आवाज़ें आ रही हैं। ये बिल्कुल क्रिस्पी हो गया है और अच्छी तरीके से तल चुका है। इसे भी हम निकाल लेते हैं और दाल हमारी अच्छी तरीके से तल चुकी है। इसे हम एक बड़े बाउल में निकाल लेंगे। मैंने दाल को एक छन्नी में रखा था, इससे अगर इसके अंदर तेल होगा तो निकल जाएगा, लेकिन इसमें बहुत कम तेल निकला है। तो ये पेपर हमारा काफ़ी सूखा है, तो इसके अंदर हम दाल को निकाल लेते हैं और इसके अंदर मिलाने के लिए मैंने कुछ मसाले लिए हैं, इसके अंदर हम डालते हैं और इसे हम दिखा देते हैं आपको। ये हमने 1 चम्मच चाट मसाला लिया है, सादा नमक लिया है स्वाद अनुसार डालेंगे, 1 छोटा चम्मच हमने काला नमक लिया है, ये भी हम स्वाद अनुसार ही डालेंगे, और 1/2 चम्मच हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है और 1/2 चम्मच हमने आमचूर पाउडर लिया है। इससे इसमें थोड़ी सी खटास आ जाएगी तो नमकीन हमारी और बहुत टेस्टी लगेगी। हम इसके अंदर टाटरी नहीं डाल रहे हैं, आमचूर पाउडर डालेंगे। तो इसके अंदर इन सारी चीज़ों को हम डालते हैं। पहले इसमें हम चाट मसाला डालेंगे, थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए रखेंगे, पिसी खटाई डाल देंगे, लाल मिर्च डालेंगे, जितना आप तीखा पसंद करते हैं उस हिसाब से डालिए, थोड़ा सा काला नमक डालेंगे 1/4 चम्मच, क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है तो हमें उसी हिसाब से नमक डालना है, और 1/4 चम्मच सादा नमक डालेंगे। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। ये नमकीन खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत क्रिस्पी होती है, और चने की दाल है इसलिए हेल्दी भी होती है, सभी को ज़्यादा पसंद आती है चने की दाल की नमकीन। तो अगर इस तरीके से आप बनाएंगे तो ये दाल की नमकीन बहुत टेस्टी लगेगी और ये ख़राब भी नहीं होती। आप 3 से 4 महीने तक इसे डिब्बे में भरकर रख सकते हैं। आप इसे दीपावली में बनाइए, होली में बनाइए, या जब भी आपकी मर्जी हो इस नमकीन को बनाकर रख सकते हैं। इसे हमें अच्छी तरीके से मिक्स करना है। दाल के अंदर सभी मसाले अच्छी तरीके से मिक्स हो गए हैं, आप देख सकते हैं। देखने में इसका बहुत ही अच्छा कलर आया है और इसमें से अच्छी खुशबू भी आ रही है सारे मसाले की। इसे हम सर्विंग बाउल में निकालते हैं। ऊपर से
थोड़ा सा चाट मसाला डाल देते हैं। वैसे सारे मसाले इसमें काफ़ी मिक्स हैं, लेकिन थोड़ा सा डाल देते हैं, इससे इसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा और गार्निशिंग भी हो जाएगी। तो ये नमकीन हमारी बनकर तैयार हो गई है, बहुत ही टेस्टी बनी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।